हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन के टी तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैम्बर हाइपरटोफी, जिसके अंदर हम एट्रियल और वेंटिकल दोनों की हाइपरटोफी के बारे में डिस्कस करेंगे तो नाउ वी विल स्टार्ट एट्रियल इनलार्जमेंट ऐसी नोट इज सिचुएटेड इन द राइट ए इलेक्ट्रिकल एक्टिवेशन ओरिजिनेट इन ए राइट एम देन ये यहाँ से लेफ्ट ए में जाते हैं जो लीड से उसके अंदर तो राइट एटीएम और लेफ्ट एट्रियम दोनों की मर्ज होके एक चीज दिखाई गई है और जो लीड बी वन है इसके अंदर राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रम दोनों ने मिलकर एक बाइफेजिक रिफ्लेक्शन बनाया है तो अपन अब देखते हैं कि फर्स्ट जो कि लेफ्ट एट्रियल इलार्जमेंट कि की जो लेफ्ट एट्रियल है उसके अंदर इलार्जमेंट होगा तो मतलब कि सेकेंड कंपोनेंट ऑफ पी वेव पी सेकंड पी मिट्रल जिसको अपन बोलेंगे ऊपर बताया लीड सेकेंड के अंदर तो लेफ्ट एटीएम वाला जो कंपोनेंट है पी मिट्रल और जो

कि ये जो वॉल होते हैं अपने मिट्रल वॉल और ट्राइकस्पिड वॉल उनके अंदर स्टोनोसिस हो जाता है सेकंड है सेकेंडरी टू पल्मोनरी हाइपरटेंशन कोर पल्मोनेल वेंटिकुलर हाइपरटोफी थर्ड है लेफ्ट एट्रियल मिक्सोमा और फोर्थ है कंजाइटल हार्ट लीजन जिसके अंदर लुटेम्बेक्चर लुटेम्बे सिंड्रोम्स भी आता है उसके बाद फाइव है एट्रियल कंडक्शन डिले कंडक्शन में डिले हो रहा है उसके बाद हम सेकंड में अपन डिस्कस करते हैं फर्स्ट तो अपन ने कंप्लीट किया है एट्रियल के अंदर इनलार्जमेंट जिसमें अपन ने फर्स्ट लेफ्ट देखा और सेकंड में राइट right देखा उसके बाद अपन देखते हैं वेंटिकुलर हाइपरट्रोफी वेंटिकुलर हाइपरट्रोफी में मेनली सीजी में क्या क्या चेंजेस है वो पहले अपन ने यहाँ दिखाए हैं फर्स्ट है इंक्रीज वोल्टेज वोल्टेज इंक्रीज हो जाता है वाइड क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स होता है थर्ड है एस डिप्रेशन होता है फोर्थ है टी वेव में इन्वर्जन होता है नीचे अपन ने इनके रीजन बताए गए हैं कि ये जो चेंजेस हो रहे हैं चार ये किस लिए हो रहे हैं या फिर इनका जो रीजन है होता है ये क्यों हो रहे हैं तो फर्स्ट अपन ने देखा इंक्रीज वोल्टेज वो क्यों होता है ड्यू टू अल्टरनेट जियोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिकल फोर्सेज सेकेंड है व्हाइट क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स वो क्यों होता है इंक्रीज ड्यू टू डिले एंड अल्टरनेशन ऑफ कंडक्शन इसके अंदर वेंटिकुलर एक्टिवेशन टाइम भी ऑल्सो इंक्रीज हो जाता है थर्ड है एस टी डिप्रेशन वो क्यों होता है एंडोकार्डिलीमिया और फाइब्रोसिस की वजह से होता है फोर्थ है टीवी वो होता है ड्यू टू चेंजेस इन रिपोलराइजेशन अब इसके अंदर भी दो टाइप के लेफ्ट फर्स्ट देख, देखते हैं पंपिंग चैम्बर तो ये सबको पता है कि जो अपना हार्ट होता है उसके अंदर मेन पार्ट होता है लेफ्ट वेंटिकुलर क्योंकि लेफ्ट वेंटिकुलर के अंदर अयोटा होता है और वो अयोटा के थ्रू पूरे ब्लड को अपनी बॉडी में सर्कुलेट करता है तो वो एक मेन पार्ट होता है अपने हार्ट का तो जो एल है वो मेनली एक डिजीज होती है आर से तो एल वी एच कैन डेवलप इन रिस्पॉन्स टू सम समैक्टर सच एज हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट कंडीशन डेट कोज देंटिकुलर टू वर्क हार्ड ये इसलिए होता है क्योंकि लेफ्ट पेंटिकुलर को बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ता है जिसकी वजह से हाई बीपी और अन्य हार्ट के जो कंडीशन होते हैं जिसकी वजह से ये डिजीज डेवलप होता है अब हम ई में चेंजेस देखते हैं कि हम ई में जब चेंजेस देखेंगे तो अपन कैसे पता करें

होती है वो V1 वन के अंदर प्लस V5 और V6 में इन दोनों का योग अपन करेंगे जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो वो ग्रेटर ये है 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 कि उसके अंदर वो होता है। ये अपन ने इसके क्राइटेरिया देखे हैं कि ग्रेटर देन 12 mm QRS होनी चाहिए एलवी तब प्रेजेंट होगा लेफ्ट एक्सिस डेविएशन होगा तब प्रेजेंट होगा और एक क्राइटेरिया जिसके अंदर एस वे

फर्स्ट है कि इसके अंदर राइट एक्सिस डेविएशन है वो प्रेजेंट होगा सेकंड है आर बाई एस का रेशियो होगा वो वी वन में ग्रेटर देन और इक्वल वन के होगा और आर बाई एस रेशियो इन वी सिक्स के अंदर लेस देन वन होगा थर्ड है कि आर वेव होगी वो वी वन के अंदर तो सेवन एम mm और एस वेव इन वी वन के अंदर वो टू एम mm होगी उसका थोड़ा अपोजिट और फोर्थ है विद आर आर बी एन आर आर बी आर बी बी इसका मतलब ये होता है कि राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक तो विद आर भी भी एन आर वेव ग्रेटर देन टेन एमएम एम सजेस्ट आरवीएच वी एज इट रिप्रेजेंट इन एंड लेट फोर्सेस ऑफ आर वी पोलराइजेशन ये सब इसकी क्राइटेरिया हैं आरवीएच वी के अब इसके कोजेज देखते हैं कि जो आरवीएच है उसके कोजेज क्या हैं फर्स्ट है, है कंजाइटल हार्ट डिजीज होती है इसके अंदर जिसके अंदर पल्मोनरी स्टोनोसिस और

फर्स्ट अपन ने देखा एल वी एच सेकेंड देखा आर वी एच और थर्ड अपन देखते हैं कंबाइंड राइट और लेफ्ट वेंटिकुलर हाइपरट्रोफी जिसे बाई वेंटिकुलर हाइपरट्रोफी भी बोलते हैं इसके अंदर क्या होता है इट इज़ नॉट इजीली डायग्नोस। इसके अंदर होता तो मेनली यही है कि इसके अंदर राइट और लेफ्ट दोनों ही हाइपरट्रोफी प्रजेंट होती हैं इसलिए इसे बाई बोलते हैं इट इज़ नॉट ईजिली डायग्नोज यही होती है कि दोनों ही पर होने के कारण, कारण अपन इसको ईसीजी से डायग्नोज नहीं कर पाते इट कैन बी सस्पेक्टेड इफ फर्स्ट ए नॉर्मल एक्स इज मोर देन प्लस नाइनटी डिग्री सेकेंड एंड लेफ्ट पेंटिकुलर हाइपरटोफी उसके बाद आता है कि कोजेज ऑफ बाई वेंटिकुलर है उसका कोज क्या होगा मेन चीज तो फर्स्ट है वेंटिकुलर सेप्टल डिफेक्ट सेकंड है कार्डियोमायोपैथी थर्ड है लेफ्ट वेंटिकुलर हाइपरटोफी ड्यू टू एनी कोज विद पल्मोनरी हाइपरटेंशन एंड राइट वेंटिकुलर स्ट्रेन एज हाइपरटेंशन टेंशन कोरोनरी डिजीज पेटन डक्टस अर्टियोसिस वोल्व डिजीज और रिगर्जिटेशन

उस डिजीज को कंफर्म करते हैं क्योंकि वो इसी में अपन को नहीं पता चल पाती तो आज का ये टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें थैंक यू